विस्कोसिटी शीट नंबर 113 जो आपको मिली है, शीट नंबर डालो इसके ऊपर 113 113। ठीक, 113। देखो विस्कोसिटी के अंदर विस्कोसिटी होती क्या है, ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कोई लिक्विड अपने अंदर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स रखता है या वो कितना रेजिस्ट करता है अपने फ्लो को। मतलब जैसे अगर कोई पतला लिक्विड है वाटर की तरह, आप उसे अगर पाइप में या कहीं पर फ्लो करवाओगे वो इजीली फ्लो होगा। कुछ लिक्विड ऐसे हैं जैसे हनी, शहद, शहद को फ्लो करवा के देखो, फ्लो करने को तैयार नहीं है क्योंकि अंदर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो शहद, हनी एक विस्कस लिक्विड है, वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है लिक्विड अपने आप को, उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा है। और पानी एक पतला लिक्विड है यानी कि नॉन विस्कस लिक्विड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो विस्कोसिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो हमें यह बताती है कि कौन सा लिक्विड कितनी फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करता है। तो अगर लिक्विड विस्कस है तो थोड़ा थिक लिक्विड है उसका फ्लो करना मुश्किल है, और अगर पतला लिक्विड है तो यानी कि विस्कोसिटी कम है, वो नॉन विस्कस लिक्विड है। तो इसलिए ये डिफाइन किया गया प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या गैसेस। ये गैसेस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो भी थिक और थिन अलग अलग तरीके से होती हैं। बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले, फ्रिक्शन काम आएगी व्हेन अ लिक्विड इज इन मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी, द इंटरनल फोर्सेस ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ अ लिक्विड। तो लिक्विड की अपनी ही इंटरनल फोर्सेस उसको डिस्ट्रॉय, उसकी मोशन को खत्म करने की कोशिश करती है। अब इसको एज्यूम करने के लिए कॉज ऑफ विस्कोसिटी, कॉज ऑफ विस्कोसिटी ये है जब कोई लिक्विड मूव करता है या लिक्विड फ्लो करता है तो सबसे बॉटम मोस्ट जो लिक्विड है, जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल या बॉटम मोस्ट जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। उसके बाद थोड़ी इंक्रीज 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 और इंक्रीज है। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है और हर लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट है। अब आप एक चीज इमेजिन करें कि एक लेयर है और दूसरी लेयर है, ये दो लेयर्स है। जैसे सपोज करो ये एक लेयर ऑफ लिक्विड है, इमेजिन करना है ये एक लेयर ऑफ लिक्विड है, कॉपी कुछ भी ये दे दो, और ये दूसरी लेयर ऑफ लिक्विड है। इमेजिन करना लिक्विड है लेयर्स की फॉर्म में, इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है। अंदर तो बॉन्ड्स हैं इनके आपस में बने हुए, जो लिक्विड लिक्विड के बॉन्ड्स हैं। अब ये चाहता है कि ये तेज मूव करे, ये चाहता है ये तेज ना मूव करे। अगर तो इकट्ठे मूव करते नो फ्रिक्शन, कोई झगड़ा नहीं है, पर ये अगर तेज मूव करता है ये नहीं करता तो आपस में स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग होती है इनकी आपस में। ठीक, तो आप सोचें अगर स्लाइडिंग होगी तो आपस में क्या डेवलप होगी, फोर्स ऑफ, तो इनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी। ठीक, तो ये रीजन है क्योंकि जो लिक्विड है वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं तो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में क्या हो जाता है, वेलोसिटी का डिफरेंस, जिस वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है। तो जैसे ए और बी दो लेयर्स हैं, एग्जांपल ले रहा है वो, ए और दो बी लेयर्स हैं, जस्ट पानी के दो लेयर्स ले लिए और इनके बी ये काफी आपस में कांटेक्ट में है, काफी दूर बनाया पर कांटेक्ट में है, तो इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगी जिसको जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, लिक्विड फ्रिक्शन बोलते हैं या विस्कस की फोर्स भी बोलते हैं कि विस्कोसिटी की फोर्स है जो इसकी मोशन को थोड़ा रोकने की कोशिश करती है। तो ये जो है कॉज ऑफ फ्रिक्शन है। अब इसके अंदर एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है, इसका एग्जांपल ये है। पहला एग्जांपल कि अगर आप एक कंटेनर में लिक्विड लें, एक स्टिक लेके उसे घुमाएं, तो व्हेन वी स्टेयर अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर इन अ ग्लास रॉड, इट कर लेना, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अ कोएक्सियल सिलिंड्रिकल लेयर्स, लेयर्स की फॉर्म में घूमता है। आप घुमाना बंद कर दें, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, लिक्विड रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर विस्कस फोर्सेस हैं। विस्कस फोर्सेस का मतलब फ्रिक्शनल की फोर्सेस हैं। तो फ्रिक्शन लिक्विड की आपस में ही उसको रोक देगी और अल्टीमेटली वो रुक जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। ये एग्जांपल है विस्कोसिटी की कि फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं। सेकंड है व्हेन वी स्विम इन अ पूल ऑफ वाटर वी एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस टू आवर मोशन। ऑब्वियसली जब आप स्विमिंग में अगर आप स्विम करते हैं तो आप फील करते हैं कि वाटर आपको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है और वाटर जो है रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो अगेन वो विस्कोसिटी की फ्रिक्शनल फोर्स है।
अगर आप शहद में तैरने की कोशिश करें तो कर नहीं पाएंगे, जबरदस्त विस्कस फोर्स से धंसते ही जाएंगे, आपकी फोर्स ही सफिशिएंट नहीं होगी बाहर आने के लिए, विस्कस फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हाई होगी। नेक्स्ट है, वी पोर वाटर एंड हनी इन अ सेपरेट फनल। फनल लें, पानी डालें, शहद डालें, पानी तो फटाफट नीचे आ जाएगा, कम विस्कस है, लेकिन शहद धीरे धीरे करके नीचे आएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब मानना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्सेस लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्लियर यहां तक? अब इसको स्टडी करने के लिए इमेजिन करते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, और इमेजिन कर रहे हैं कि लेयर्स की फॉर्म में ये फ्लो कर रहा है। हमने एक काम किया, एक लेयर ले ली, ये एक लेयर है, इसके इमीडिएटली नीचे एक और लेयर ले ली। ये लेयर में डिस्टेंस बहुत बड़ा दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में आपस में कॉन्टेक्ट में ही है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, अदरवाइज ये आपके इसमें चिपकी हुई है। अगर ये इकट्ठी दिखा देगा तो आपको लगेगा कि एक ही डायग्राम है। तो ये स्पीड इसकी ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड वी है, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, वी प्लस डी वी है, इसका डिस्टेंस एक्स है, इसका एक्स प्लस डी एक्स है। तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है इनके बीच में? एफ है, राइट? तो एक बात बताओ कि दो लेयर्स में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? डीवी, ये इन दोनों में डीवी का डिफरेंस है, और डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है? डीएक्स, यानी कि हर डीएक्स के बाद वेलोसिटी इंक्रीज डीवी, अगले डीएक्स के बाद डीवी, अगले डीएक्स के बाद डीवी, अगले डीएक्स के बाद डीवी, तो यानी कि हर डीएक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी का चेंज कितना जा रहा है, कितना आता जा रहा है? डीवी। तो अगर मैं डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स की बात करूं, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस टर्म को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब कितने डीएक्स के बाद कितने वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो टर्म याद रहेगी। अब ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट से, ये लिखा हुआ है डीवी बाय डीएक्स इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, अंडरलाइन कर सकते हो, डीवी बाय डीवी इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है लिक्विड की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर। जितना बड़ा लेयर का एरिया होगा उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी। और सेकेंड, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है? डीवी बाई डीएक्स, इसके भी प्रोपोर्शनल है। अगर हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डीवी बाई डीएक्स। तो एक, क्योंकि इसमें एरिया और डीवी बाई डीएक्स आया, अब एक नेचर ऑफ लिक्विड भी तो एक नाम की चीज है जिसपे विस्कस फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगी, वो नेचर के लिए एक कॉन्स्टेंट लगेगा ईटा। ईटा को अंडरलाइन करें, लिखा जाता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। वो इसने क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा था फ्रिक्शन एरिया डिपेंडेंट नहीं होती, वो सॉलिड फ्रिक्शन है, ये लिक्विड फ्रिक्शन है, ये होती है, इसके वो रूल्स नहीं है। म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ये अलग है, वो खत्म हो गई, ये अलग है, इसके अपने रूल्स हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इसका निकालने का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट ही चेंज है। तो ईटा नेचर पे डिपेंड करता है, हनी या शहद के लिए ईटा बहुत हाई होगा तो फ्रिक्शन की फोर्स बहुत ज्यादा होगी, पानी के लिए ईटा कम होगा तो फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि फ्रिक्शन की फोर्स इज ऑपोजिशन की फोर्स। तो फॉर्मूला याद रहेगा, एफ इज माइनस ईटा ए डी वी बाय डीएक्स। ये करने की जरूरत नहीं है, इसके यूनिट्स पे आओ। इसके यूनिट्स में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ईटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ रखा, फोर्स को न्यूटन पुट किया, एरिया को मीटर स्क्वायर, डीएक्स को मीटर, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। ये बड़े लंबे से इसके यूनिट्स के फॉर्म यूनिट्स बने, इसके ऐसे नहीं याद करेंगे हम, याद करेंगे कि एसआई सिस्टम में ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? डेकापोइस। और सीजीएस सिस्टम में क्या होते हैं? पॉइस। हम ये नहीं याद करेंगे, हम ये याद करेंगे, डेकापोइस एंड पॉइस। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो ईटा के यूनिट्स गिवन होंगे आपको, डेकापोइस एंड पॉइस। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। अब आपका क्वेश्चन आ गया जो आपने पूछा अभी, सिमिलैरिटी डिफरेंस देख लो। जो सॉलिड फ्रिक्शन थी और जो लिक्विड फ्रिक्शन हमने की लेयर्स के बीच में, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों के दोनों मोशन को अपोज करते हैं। नंबर टू, कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, कोई तेज और स्लो मूव करेगा तो ये अपना रोल प्ले करेंगे। तीसरा, आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, बॉन्ड की वजह से है ये सारे। डिफरेंस, सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बट विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन
एरिया, हो गया ना डिफरेंस। विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, जो विस्कोसिटी है, अगर कोई विस्कस लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंस हो गया। पहला एग्जाम्पल है, एक मेटल की प्लेट है, एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया 5 × 5 सेंटीमीटर है, ये मेटल की प्लेट है, और एक ऑयल के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे एग्जाम्पल है, बनाना चाहो तो एग्जाम्पल बना सकते हो इसमें, ये ऑयल है, ठीक, ये ऑयल है, ठीक, डायग्राम बना लो, बना नहीं हुआ, ये ऑयल है और इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि जो प्लेट का एरिया है, बेस का एरिया है, वो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, एंड जो लेयर है ऑयल की उसकी थिकनेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी थिकनेस कितनी गिवन है, डीएक्स, डीएक्स कितना गिवन है, 1 mm थिक है डीएक्स गिवन है। अब वो कह रहा है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है 1.55, ये यूनिट्स मुझे न्यूटन यानी कि किसमें लग रहे हैं, एसआई में लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको डेका पॉइस बोल दूं, बेटर है, उस यूनिट से बेटर है। और क्वेश्चन है फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, मैं कितनी फोर्स लगाऊं यहां पे ताकि मैं इसे खींच सकूं विद अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से खींचना है, 2 cm/s, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको 2 cm/s की स्पीड से खींचना चाहता हूं। एक बात बताओ, जो लोअर पोर्शन ऑफ ऑयल है वो किस पे रहेगा, एट रेस्ट, लोअर पोर्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, रेस्ट। तो डीवी की वैल्यू यहां पर क्या रह जाएगी, 2 - 0 यानी कि 2 cm/s, तो आपको डीवी पता लग गया, आपको डीएक्स पता लग गया, राइट, तो डीवी पता लग गया, डीएक्स पता लग गया, तो आप यहां से इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज -ηA dV/dx, ये ऑपोजिशन की फोर्स है, पर मेरे से फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी ना पूछा, मेरे से तो अप्लाइड फोर्स पूछा, तो अप्लाइड फोर्स की जगह मैं इसका मैग्नीट्यूड पुट कर दूंगा डीवी बाय पॉजिटिव में, अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव है, तो फॉर्मूला समझ में आया। तो पहले एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, एमएम को मीटर में कन्वर्ट किया, ये तो ऑलरेडी एसआई में था, डीवी को मीटर में कन्वर्ट किया, ईटा ए डीवी बाय डीएक्स में पुट किया, आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला समझ में आया, ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि इस टाइप की प्रॉब्लम, ऐसा डायग्राम बन सकता है इसमें, ठीक है यहां तक। और लास्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर मेटल की प्लेट है, 10 cm का साइड है इसमें भी, और एक और प्लेट के ऊपर मूव करती है, जैसे एक लेयर दूसरी लेयर पे मूव करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो यानी कि डीवी गिवन है, बोथ प्लेट्स इमर्ज्ड इन वाटर, विस्कस फोर्स गिवन है, विस्कस फोर्स का मतलब एफ गिवन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, विस्कोसिटी ईटा गिवन है, पॉइस का मतलब कौन सा यूनिट है, सीजीएस सिस्टम है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डीएक्स निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन में एरिया पता है, ईटा पता है, फोर्स पता है, डीवी पता है, क्या निकालना है, डीएक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीएक्स कैन बी कैलकुलेटेड, सब कुछ सीजीएस में है, तो इसका मतलब है कि इसमें सीजीएस में आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, एक आ टॉपिक और है इसके अंदर, ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज है, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है एनसीईआरटी में, दो एक टर्मिनल वेलोसिटी करके, इसमें कुछ और है नहीं, अच्छा है, बाकी तो चलो न्यूमेरिकल्स है, वो तो प्रैक्टिस करेंगे करेंगे, पर आपको इसकी स्ट्रेंथ से पता लग रहा होगा, शीट्स की बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब नेक्स्ट टाइम खत्म हो सकता है।